पहुंच पूछिए, कार्रवाई कीजिए। हाँ हाँ, यहाँ पर एडवांस अटेंडेंस अपने पे प्रिंसिपल गैप है। हम सब रजिस्टर लेते आ रहे हैं, आपको रजिस्टर पहुंचाते हैं, आप रजिस्टर लेकर के उसको बुला करके कार्रवाई करके तब रजिस्टर दीजिए। अब हाँ, उसको बिना इलाज के वही नहीं काम करने सुनेगा ये। नमस्कार, सभी का स्वागत है। बिहार में जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था का हाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब देखने की बात है कि वो समाजसेवी, वो विधायक, वो सांसद, वो मुखिया अपने क्षेत्र के, अपने पंचायत की शिक्षा को कितना अच्छा करना चाहता है वो उनके ऊपर है। आपको बता दें कि जनप्रतिनिधि ही समाज को बदल सकता है, पंचायत को बदल सकता है, लेकिन ऐसे जनप्रतिनिधि जो शिक्षा जगत से पैसा उठाते हों, जो शिक्षकों से पैसा लेते हों, उनको कहते हों कि आप घर पर ही रहिए, अपने काम करिए, ऐसे जनप्रतिनिधि को कहीं ना कहीं आगे जो इसका खामियां है वो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर दरभंगा जिला से, जहां सामने तस्वीर आपने देखा कि ये प्रोफेसर विनय चौधरी हैं, जो बेनीपुर के विधायक भी हैं। ये चिरपरिचित अंदाज में लगातार वो कहीं ना कहीं निरीक्षण करते रहते हैं, और औचक निरीक्षण में स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा को, या किसी भी विभाग की बात करें, वो जाकर देखते हैं और कोई भी कमी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करवाते हैं और करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको बता दें दरभंगा जिला से, जहां शांति नायक प्लस टू उच्च विद्यालय में ये पहुंचे, वहां पर प्रोफेसर विनय चौधरी ने निरीक्षण के क्रम में पाया कि अनियमितताओं को रेखांकित करते हुए कहा है कि एक तो उपस्थित शिक्षक प्रदीप ठाकुर के द्वारा अग्रिम उपस्थित दर्ज कराना, लिपिक पुष्पा कुमारी द्वारा बगैर सूचना के गायब रहना, 6-7 शिक्षकों की उपस्थिति रहने के बावजूद 30-40 छात्र छात्राओं का संयुक्त रूप से वर्ग संचालन करना जैसी कई विसंगतियों की ओर डीएम दरभंगा को ध्यान आकर्षित कराया गया है, समुचित कार्रवाई के लिए लिखा गया है। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनय चौधरी इतने पर ही नहीं रुके, वो रजिस्टर जिसमें एडवांस जो हाजिरी था वो बना दिया गया था शिक्षिका के द्वारा, उसी रजिस्टर को लेकर स्थापना में पहुंच गए और डीओ जो है उनको दिखाया है, पदाधिकारियों को दिखाया है और सख्त कार्रवाई की मांग किया है, सौकाज करने की मांग किया है। वहीं पर जब हम पहुंचे तो हमने विनय चौधरी से पूछा कि आप और आपके जो सरकार है वो कितना चिंतित है बिहार में शिक्षा जगत को लेकर, तो उन्होंने सारी बातें बताई है, आप शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, भारत उदय समाचार आप सभी शिक्षकों से आग्रह करता है कि आप जितना पैसा सरकार से लेते हैं, आप बहुत मेहनत करने के बाद, आपने बहुत पढ़ाई करने के बाद शिक्षक का पद हासिल किया है, तो कृपया करके उन बच्चों को पढ़ाइए जो बच्चे आपके भरोसे घर से निकलते हैं और आपके भरोसे ही उनका भविष्य है। लेकिन आप अगर घर पर सोएंगे, आप अगर इस तरह की हरकतें करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में आपको ऊपर वाला भी माफ नहीं करने वाला है, क्योंकि यह बहुत ही चिंता का विषय है कि आप जिस चीज का पैसा ले रहे हैं आप उसका काम नहीं कर रहे हैं। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया करके अपने स्कूल में उपस्थित रहें, उन गरीबों को पढ़ाएं जो गरीब आपके भरोसे वहां बैठे हुए हैं, गरीब के बच्चे। सभी लोगों तक शेयर करिए, सभी लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। बहेरी के स्कूल का क्या मामला है जहां पर आप गए थे? गए थे आज संजोग से, वहां के हाई स्कूल का मैं चेयरमैन होता है, इस नाते मैं वहां पे विजिट करने गया था। प्रधानाचार्य स्वयं भी अनुपस्थित थे और एक शिक्षक ने तो हद कर दिया कि अपनी उपस्थिति कल की भी बना करके आज भी वो अनुपस्थित थे। दो दो दिन का अनुपस्थित थी, एक लिपिक थी वो भी नहीं आई थी, और वर्ग जो था वहाँ पर ज्वाइंट करके क्लास करके एक क्लास लिया जा रहा था, मात्र 21 स्टूडेंट उपस्थित थे, और उसमें भी 5-6 टीचर जो थे वहाँ पर वो लोग मैदान में बैठ करके अपना गप्पे मार रहे थे और क्लास कोई आदमी नहीं कर रहे थे। वो भी जो क्लास चल रहा था वो भी बीएड ट्रेनिंग के ही से लेसन प्लान अपना करवा रहे थे, ये लोग कोई काम नहीं कर रहे थे। इसकी सूचना मैंने जिलाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी को, मैंने रजिस्टर ला करके मैं डीपीओ स्थापना को मैंने दे दिया हूँ, और सो काउज भी उन लोगों का हो गया। मुझे भी भरोसा है प्रशासन पर कि अभी कम उन पर कार्रवाई होगी और शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार लाया जाएगा। इससे पहले भी बहेरी का ही स्कूल था जहां आप गए थे और लगातार आप जाते रहते हैं, फिर भी ये बेफिक्र होकर जो शिक्षक घर पे सोते हैं या कहीं और रहते हैं, इसी कारण आज मैंने इनकी शिकायत मैंने ऑफिशियली मैंने कर दिया। उससे पहले मैं कहता था कि ताकि ये सुधर जाए, लेकिन जब ये नहीं सुधरे और आज तो पराकाष्ठा कर दी कि एडवांस अटेंडेंस बना करके वो चले गए थे। इसके बाद मैंने डीपीओ स्थापना से कर दिया, डीपीओ स्थापना ने उनसे शोकाउज कर लिया,
और मुझे भरोसा है कि वो कार्रवाई उस पर हो। आप कितना चिंतित है अपने अपने क्षेत्र के लिए और सरकार कितना चिंतित है शिक्षा के लिए? बोल रही ना कि अब सरकार बराबर इसके लिए प्रयास कर रही है, मेरा भी प्रयास रहता है कि आप कीजिए। कोई लेसन प्लान नहीं बनाते हैं, रूटीन नहीं रहता है। सबसे दुखद है कि एक भी रूटीन नहीं है वहाँ पर, किसी भी स्कूल में रूटीन नहीं है। अब बिना रूटीन का विद्यार्थी का पढ़ाई और टीचर पढ़ाएंगे क्या? अव्यवस्थित भी पढ़ाई है। इसलिए मैंने ये बात किया हूँ और मुझे भरोसा है कि अविलंब 1 से 2 दिन में शैक्षणिक व्यवस्था दरभंगा में पटरी पर आ जाएगी। सर, इन सभी बातों से सरकार की छवि खराब हो रही है, आप लोगों की छवि खराब हो रही है। इसलिए ना हम लोग प्रयास और कर रहे हैं। इसलिए हम लोग का प्रयास है कि सरकार की सभी छवि में कोई बट्टा नहीं लगे। सरकार तो अपने तरफ से काम कर ही रही है, लेकिन ये लोग जो सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसी के लिए ना हम लोग कोशिश करते हैं, हम जाते रहते हैं। आप तो बराबर देखते हैं कि हम जाते रहते हैं कि देख करके कुछ सुधर जाए, कुछ सुधर जाए, लेकिन जब नहीं सुधरने की स्थिति हुई तो आज शिकायत किए हैं। ऐसे शिक्षक जो बिना पैसा के समाज में बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिन शिक्षकों को लाख लाख रुपया सैलरी सरकार दे रही है, और ऐसे शिक्षक अगर वो घर में बैठे या बच्चों को पढ़ाने के प्रति उनका रुचि ना हो, क्या कहना चाहते हैं इसके लिए? हम लोग तो भरोसा करते हैं कि वो पढ़ाएंगे। मुझे भरोसा है कि 1-2 दिन के बाद वो सब सुधर जाएंगे। 1 साल से ऊपर आपका हो गया विधायक? हमारा 2 साल से ऊपर, 2 साल से ऊपर हो गया। देखिए, क्या स्थिति अभी लग रही है? प्रयास तो निरंतर करते रहना है ना, सजा दे देने से तो कोई कार्रवाई हो नहीं जाएगी। सुधर जाए इसके लिए हम लोग का प्रयास है। अभी कहाँ आए थे? अभी आए थे वही DPO साहब से बात करने के लिए। रजिस्टर वो जो ले लिए थे, रजिस्टर इनको समर्पित कर दिया है और उन्होंने शो काउज किया है, इसी संदर्भ में आए थे। एक मैसेज क्या देना चाहेंगे शिक्षकों के बीच, आपका मैसेज अगर यहाँ से जाए तो क्या कहेंगे आप? हमारा है कि आप समाज के, आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा समाज को है। आप ये कभी गौर किए हैं कि 9 माह अपने पेट में 25 बच्ची को लेता रखता है माँ, वह स्कूल जाने के लिए हमको भी मार लगती थी, डेली मार लगती थी कि स्कूल जाओ। उस शिक्षक वर्ग के लिए मैं यही कहता हूँ कि आप पर इतना भरोसा है, अपने लाल को लोग आपके नज़दीक में 8 घंटा के लिए बेफिक्र दे देता है, तो उसे जो आप पर भरोसा है वो भरोसा को आप बनाइए। यही मेरा अपील है उन्होंने। धन्यवाद। आज ही बना करके भेज चुके हैं, चल दिए हैं और अपने गैप भी हैं, ऐसा भी चलता है। शांति नायक उच्च विद्यालय, हम सब रजिस्टर लेकर के हम आकर दे देते हैं, आप उससे शोकाउट पूछिए, कार्रवाई कीजिए। हाँ हाँ, यहाँ पर एडवांस अटेंडेंस अपने पे प्रिंसिपल गैप है। हम सब रजिस्टर लेते आ रहे हैं, आपको रजिस्टर पहुँचाते हैं, आप रजिस्टर लेकर के उसको बुला करके कार्रवाई करके तब रजिस्टर दीजिए। हाँ, उसको बिना इलाज के वही नहीं काम करने सुनेगा।